तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपका खोया हुआ या चोरी हुआ मोबाइल को किस तरीके से ब्लॉक करा सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको आप बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप खोया हुआ या चोरी हुआ मोबाइल को आप ब्लॉक करा सकते हैं ऑनलाइन। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप अपने लैपटॉप के ब्राउजर में टाइपिंग करेंगे cer.gov.in, इसका लिंक आपको ब्राउजर आपका मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेटिंग रजिस्टर। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ देख रहे हैं ब्लॉक स्टोलेन लॉस्ट मोबाइल, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। ये सर्विस अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे देख रहे हैं कि दिल्ली के लिए सब्सक्राइबर के लिए है। धीरे धीरे ये पूरी कंट्री इंडियन कंट्री में ये अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने डिवाइस की इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो भी आपके मोबाइल में जो भी सिम पड़ी हुई थी तो वो नंबर आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है, और दूसरा अगर डबल सिम था तो दूसरा नंबर आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। IMEI नंबर आप क्या था वो आपको यहाँ पर जो है 15 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है, और दूसरा नंबर जो भी था मोबाइल का तो वो आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन से ब्रांड का था आपका मोबाइल, तो यहाँ से जाकर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने डिवाइस का मॉडल डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7i। अगर आपके मोबाइल का फ़ोन का बिल अवेलेबल है तो यहाँ से आप चूज करके इसमें डाल देंगे। इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ देखें लॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डेली होंगी कि आपका जो मोबाइल जो चोरी हो गया था वो कहाँ पर हो गया था, तो वो उस प्लेस को यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। इसको यहाँ पर सिंपली आपको डेट चूज कर लेना, कौन सा डेट में आपको चोरी हुआ था वो डेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइमिंग चूज कर लेना है, जो भी टाइमिंग है तो यहाँ से आपको टाइमिंग चूज कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज कर लेना है, जैसे मैं बताया था यह बम्बई और दिल्ली के लिए है, तो ये दो ही जगह के लिए है, तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना दिल्ली में चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज कर लेना है, कौन से स्टेट है तो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद सिंपली आप देख रहे हैं कि इस साइड में आपका जो पुलिस स्टेशन है वो आप कंप्लेंट सिंपली यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट नंबर, अगर आपके पास कोई कंप्लेंट नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट जो भी है, जहाँ भी आप कंप्लेंट रखी हुई है वो यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा कंप्लेंट तो यहाँ पर एड मोर पर जाकर और भी यहाँ पर एड कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, मोबाइल ऑनर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप करने होगी उसका, जैसे ये हो गया ऑनर का नेम, मालिक का नाम हो गया, एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आइडेंटिटी में क्या दे रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर चाहिए जो भी है यहाँ पर आपको इसको डाल देना है। इसके बाद चूज फाइल पर आप क्लिक करके वो फाइल भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आइडेंटिटी नंबर है जो पैन कार्ड का नंबर, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसका जो भी एक मेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ रहा था वो यहाँ पर आपको टाइपिंग करके डाल देना है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ गेट OTP पे ओके करना है। तो आपके मोबाइल पर एक OTP भेज दिया गया है, यहाँ पर आप OTP डाल के इसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई कर देना है। चलिए मेरे मोबाइल केस में आ गया, मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ पर करना है वेरीफाई OTP पर ओके। तो आप यह वेरीफाई आपका OTP हो चुका है, सिंपली यहाँ टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ सिंपली आपको कर देना है सबमिट। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, तो आपके मोबाइल पर एक रिक्वेस्ट आईडी भेजी जाएगी, वो आप सेव करके रख लीजिए। इसके बाद आपके डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई भी पर्सन उस मोबाइल फ़ोन को यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन कभी भी अगर बाद में आपको वो मोबाइल फ़ोन अगर मिल जाता है आप उनको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस पेज पर जाना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं कि अनब्लॉक फ़ोन मोबाइल, तो जिसके लिए आप यहाँ पर अनब्लॉक पर क्लिक करेंगे।
रिक्वेस्ट आईडी जो आपको दी गई है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना, जो भी मोबाइल नंबर दिए हुए थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि रीजन अनब्लॉकिंग का जो भी है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आपको रीजन देना पड़ेगा कि कौन क्यों आप अनब्लॉक कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिकवरी माई पुलिस फाउंड माई सेल्फ ब्लॉक्ड बाई मिस्टेक, और यहाँ पर देख रहे हैं अदर रीजन। तो यहाँ पर आप डाल के सिंपली या इसको यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद सिंपली जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको ये मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो आपके और गेट ओटीपी ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आपको सिंपली यहाँ सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद आपको जो डिटेल है उसको वेरीफाई किया जाएगा और आपके जो मोबाइल है उसको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल को बहुत ही साधारण तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया गया है या नहीं, तो सिंपली आप यहां पर जाएंगे, यहां देख रहे हैं चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, आपको सिंपली इस पर ओके क्लिक कर देना है। यहां पर जो आपको रिक्वेस्ट आईडी दिया गया है वो आपको इसमें डाल देना है, और डालने के बाद सिंपली आपको यहां पर सबमिट कर देना है। तो यहां पर सबमिट करने के बाद आपको सामने आ जाएगा कि आपका मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर दिया गया है या अभी ये प्रोसेसिंग में है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपने मोबाइल को जो आपका स्टेटस है वो अनब्लॉक या ब्लॉक कर दिया या पेंडिंग में है, जो भी है। तो यहाँ पर स्टेटस वो आपको क्लियरली बता देगा। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से खोया हुआ या चोरी हुआ मोबाइल को हम ब्लॉक करा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।